नमस्ते दोस्तों, जेएचटेक चैनल में आपका स्वागत है और आप है अरजीत सिंह चौहान के साथ में। चलिए हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर लेते हैं। आज के 10 क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों। टेक्निकल पार्ट पे हम काम कर रहे हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसमें आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या रहने वाला है आपके लिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा सब्जेक्ट है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों फिलहाल। इसमें आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज, इसके अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है उसके भी हम इसमें क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आज के जो क्वेश्चन जो ज्यादातर वो कम्प्लीटली इसमें रहेंगे, क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। इतिहास के पहले सुपर कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए CDC 6600, परम, जेगुआर, रोड बर्नर। टाइम अप होने वाला है दोस्तों, टाइम अप। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों CDC 6600 वह कंप्यूटर है जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापा जाता है या मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को? MIPS, FLOPS, FIPS, MOPS। 5 सेकंड रहते हैं आपके पास। चलिए टाइम अप। ये रहा इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। फ्लॉप्स, फ्लॉटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स के अंदर सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 5 सेकंड रहते हैं दोस्तों, तो आप पिक कर ले क्वेश्चन अपने आंसर को और उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर ले कि आपको कब आंसर देना है, या आप कहीं लिख ले या जैसा भी हो जो। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहली बार सुपर कंप्यूटर को किसने वे कब बनाया था? पहला जो सुपर कंप्यूटर था, फुगाकू 1960, टॉम किलबर्न 1960, सैम्यूर क्रे 1960 या विन टनल 1960। टाइम अप। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सैम्यूर क्रे ने 1960 में CDC 6600 कंप्यूटर को बनाया था, जो पहला सुपर कंप्यूटर था। और दोस्तों इससे जुड़ी एक बात मैं और आपको बता दूं, 1964 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था, फाइनली ये 1964 में लॉन्च हो गया था दोस्तों, जो सैम्यूर क्रे ने ये कंप्यूटर बनाया था। अगर आगे बात कर लेता क्वेश्चन नंबर 4 की, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर का क्या नाम है? PDP-1, IBM 8000, ICL 39, ब्लू जेने। क्या है दोस्तों, जल्दी से पिक करें। टाइम अप। ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों PDP-1। PDP-1 वह है जो वर्ल्ड का पहला मिनी कंप्यूटर के अंदर गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन DEC ने पहला मिनी कंप्यूटर कब बनाया? दोस्तों ये पिछले कुछ क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1964 में? टाइम अप होने वाला है दोस्तों। ओके, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों 1960 में DEC ने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था, जो मैंने आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, किसने बनाया था, है ना, और ईयर भी ध्यान रखना है। ये 3 चीजें ध्यान रखनी होती है। देखिए 1960 DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन और आपके PDP-1, आप इस तरह से जिसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, फिर इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ गया। DEC ने पहला व्यावसायिक रूप से जो बिजनेस को से रिलेटेड पहला सफल मिनी कंप्यूटर बनाया जिसका क्या नाम था, जो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज में लिया जाने चल लगा था? PDP-5, PDP-8, PDP-11 या PDP-12? पढ़ना पड़ेगा दोस्तों तभी दे पाएंगे आंसर। चलिए इसका ये रहा इसका सही आंसर है दोस्तों PDP-8, जो 12 बिट पे काम करता था, और PDP-8 वह कंप्यूटर था जो पहला व्यावसायिक सफल कंप्यूटर साबित हुआ था उस समय का। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं दोस्तों। ब्लू जेन है, ASI रेड, XMP-14 एंड रोड बर्नर, ये किस प्रकार के कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, मतलब ये किस प्रकार के कंप्यूटर के एग्जांपल है दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर?
आंसू पिक कर ले दोस्तों। ओके टाइम अप, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों, ये सारे सुपर कंप्यूटर की श्रेणी के कंप्यूटर माने जाते हैं दोस्तों, ब्लू जेन, एएसआई रेड, XMP14 और रॉड बर्नर। क्वेश्चन नंबर 8, टैबलेट, पीडीए, स्मार्टफोन, पाम टॉप एंड सर्वर, ये किस तरह के कंप्यूटर के एग्जांपल है दोस्तों। ऑप्शन पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या आखिरी सुपर कंप्यूटर, किस प्रकार के कंप्यूटर के एग्जांपल है दोस्तों ये। टाइम अप, ये रहा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट, पीडीए, स्मार्टफोन, पाम टॉप और सर्वर, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डिजिटल पर्सनल कंप्यूटर के नाम से किस प्रकार के कंप्यूटर्स को जाना जाता है, कौन से कहलाते हैं डिजिटल पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। टाइम अप, इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, जैसे आपके लैपटॉप हो गए, इनको पर्सनल कंप्यूटर ही बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, आज का आखिरी टॉप 10 क्वेश्चन। K202, TI-990 एंड SDS-92, ये कंप्यूटर्स किस प्रकार के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के, मिनी कंप्यूटर के, मेनफ्रेम कंप्यूटर के या सुपर कंप्यूटर के। टाइम खत्म हो चुका है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों मिनी कंप्यूटर्स। ये सारे एग्जांपल मिनी कंप्यूटर्स के हैं, ये सारे मिनी कंप्यूटर बने थे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्विज यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्विज बहुत पसंद आई होगी, और अपने सुझाव, अपने कमेंट जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और इसी तरह से चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।